नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक खास विषय के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आज का जो खास विषय है वो है डिप्रेशन। क्यों होता है, किन कारणों से डिप्रेशन बनता है? बहुत सारे कारण बनते हैं, एक कारण घर के अंदर वास्तु दोष होने से भी होता है। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोने में, उत्तर पूर्व के कोने में वास्तु दोष बन जाता है तो वहाँ पर डिप्रेशन आने के कारण बन जाते हैं, यानी उस घर के किसी न किसी मेंबर को डिप्रेशन आ ही जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार का वास्तु दोष बनता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप नोटिस कीजिएगा कि आपके यहाँ आपके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट जोन में यानी ईशान कोने में किचन बन जाती है तो डिप्रेशन आने के कारण बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन में रेड कलर या रेड फैमिली के कलर आ जाते हैं तो भी डिप्रेशन होने के कारण बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन में फ्लोर लेवल ऊंचा हो जाता है तो भी डिप्रेशन आने का कारण बन जाता है। डिप्रेशन आने का कारण क्यों बनता है? सबसे पहले बड़े हैं तो वो अपने व्यापार को लेकर परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने व्यापार से परेशान है जिसकी वजह से डिप्रेशन आ गया है, या घर में माहौल अच्छा नहीं है, हर वक्त का झगड़ा रहता है तो उसके कारण भी डिप्रेशन में व्यक्ति आ ही जाता है। बच्चे हैं, अपनी स्टडी को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी घर के नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में वास्तु दोष बन जाता है, वास्तु दोष जैसे मैंने आपको बताया कि किचन आ जाती है या रेड फैमिली के कलर आ जाते हैं या वहाँ पर फ्लोर लेवल ऊंचा हो जाता है, इसी के साथ ईशान कोने में बेडरूम आ जाता है, यानी जो व्यक्ति ईशान कोण के बेडरूम में रहता है और वहाँ पर नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल बिल्कुल पैक हो जाती है, बंद हो जाती है, सॉलिड वॉल हो जाती है, तो वहाँ पर उस रूम में रहने वाला व्यक्ति भी डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसे बहुत से कारण बनते हैं डिप्रेशन में जाने के। एक कारण बनता है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने में वास्तु दोष होने से। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को सही जरूर करें। आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में वास्तु दोष किस प्रकार का बना हुआ है, तो आप मेरी यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो है, आप उन वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, सुनें, समझें और विचार करें। जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में किस किस प्रकार के वास्तु दोष बन जाते हैं। जब भी ईशान कोने में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले किचन नॉर्थ ईस्ट में हो तो डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है, टॉयलेट बन जाती है तो भी डिप्रेशन का कारण बनता है, फ्लोर लेवल ऊंचा हो जाता है तो भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर या रेड कलर की फैमिली दीवारों पर पेंट के रूप में आ जाती है, या आपने वहां पर रेड कलर की पेंटिंग लगाई हुई है, या कोई सामान में रेड कलर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो भी डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण बिल्कुल पैक हो जाता है, जिसमें नॉर्थ की वॉल भी सॉलिड हो जाती है, ईस्ट की वॉल भी सॉलिड हो जाती है, और यहाँ पर बेडरूम बन जाता है और इस बेडरूम में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि रूम का नॉर्थ भी पैक हो गया और ईस्ट भी पैक हो गया। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। जब भी नॉर्थ और ईस्ट दोनों दीवारें नॉर्थ ईस्ट के रूम की पैक हो जाती है तो उस रूम में रहने वाला व्यक्ति भी डिप्रेशन में आ जाता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जिसके कारण घर के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, घर का कोई ना कोई मेंबर डिप्रेशन में चला जाता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी व्यक्ति की बात नहीं मानता, घर के अंदर झगड़े भी होते हैं, व्यापार में भी झगड़े होते हैं और हर वक्त वो व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने को सही
जरूर करें। मेरा अपना मानना है कि आपको रिलीफ मिलता चला जाएगा। मैंने अपने YouTube पर और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। आप मेरी और वो सभी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर पहली बार है या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो पुरानी और भी वीडियो है वो वीडियो भी आप आराम से देख सके। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी जरूर दूं, और मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।